जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है और आशा करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। और आज की जो मैं वीडियो में उपाय लाया हूँ आप सबके लिए, ये बहुत ही खास है। आप फूंक मारकर वशीकरण कर सकते हो। तरीके आपको 3 से 4 तरीके मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप उपाय कर सकते हो, किसी इंसान को अपने वश में कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उपाय बताने से पहले मैं आपको 3 खास बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी उपाय के बारे में या किसी भी क्रिया के बारे में जानना चाहते हो, मेरे पास सीधा कॉल करना चाहते हो, तो कॉल मी 4 एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ पे सर्च में जाइए, मेरी आईडी है uchit.upay@cm4। वहाँ से आप किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हो। अगर आप अपने लिए पर्सनल कोई उपाय चाहते हो तो आप मुझे सीधा कॉल पर फ़ोन करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8104018830। आप अपनी समस्या बताकर समाधान ले सकते हो। कॉल करने का समय आप सभी को मालूम ही है, 11 से 4 बजे के बीच में। अगर आप कॉल मी 4 एप्लीकेशन से कॉल करते हो तो आपसे किसी भी तरह का कोई पैसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप सीधा कॉल करते हो मुझ पे मेरे मोबाइल नंबर पर, तो आपसे शुल्क लिया जाएगा, जो कि बहुत ही कम है। और दूसरी बात, इंटरनेट पर बहुत से चैनल हैं, बहुत से ढोंगी पाखंडी बाबाए बैठे हैं जो कि नकली वीडियो बनाकर आप सभी से पैसों की ठगी कर रहे हैं। उनको तंत्र मंत्र का 1% भी ज्ञान नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सभी ही पाखंडी हैं, नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे से भी अच्छे हैं, मेरे से भी ज्ञानी हैं, जिनको मुझसे भी अच्छा तंत्र मंत्र का ज्ञान है। तो किस तरह से उन लोगों को जानना है, ध्यान से सुनिए। जो असली ज्ञानी होगा, बात करने से ही आपको लग जाएगा कि वो इंसान ज्ञानी है, इस चीज़ का उसे ज्ञान है। वो पहले आपसे पूरी आपकी समस्या सुनेगा, उसके बाद आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगा। तंत्र मंत्र का ज्ञान आपको बहुत ही कम मिलेगा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और तीसरी बात जो बहुत ही खास है, कोई भी उपाय करने से पहले उसकी जानकारी हो तभी आप उपाय करिएगा। हर उपाय आपके लिए नहीं है, हर टोटका आपके लिए नहीं है, और कोई भी उपाय करो उसका एक समय होता है, तभी वो असर करता है। तो किसी ज्ञानी से पहले आप सलाह ले लेना, तभी आप उपाय करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई उपाय करने लग जाओ तो वो उल्टा असर कर जाए। असल बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत से लोगों ने किया भी होगा तो उनके साथ उल्टा असर कर गया होगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, तीसरे नंबर पॉइंट का। अब मैं आपको उपाय के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है। पहले आप उपाय के बारे में जान लीजिए, उसके बाद विधि जान लीजिएगा। सबसे पहले आप मंत्र लिख लीजिए, मंत्र को ध्यान से सुनना। मंत्र है, मोहन मोहन क्या करें, मोहन मेरा नाम, भीत पर तो देवी खड़ी, मोहे सारा गांव राजा, मोहो प्रजा मोहो मोहो गणपत राय, 33 कोटि देवताएं मोहो, नर लोग कहां जाए, दुहाई ईश्वर महादेव, गोरा पार्वती नैना योगनी कामरू कामक्षा की। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। अब आप इसकी विधि सुन लीजिए। सबसे पहले आपको ये मंत्र सिद्ध करना है। सिद्ध करने की विधि बता देता हूँ मैं आपको पूरी। आप मंगलवार वीरवार या शनिवार, तीनों दिन में से किसी भी दिन इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध करने के लिए एक माला ले लेना। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि माला हमेशा सिद्ध लेनी है। सिद्ध कैसे की जाए इसकी वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में जल्द ही बता दूंगा, और वैसे काफ़ी लोगों को मैंने बता भी दिया है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कॉल मी 4 एप्लीकेशन से कॉल कर लीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा किस तरह से माला सिद्ध की जाती है, बड़ी आसानी से। वो भी रात्रि के समय एक दीवा ले लेना, दीवे के अंदर चमेली का तेल डाल लेना, लाल कलर का आसन लेना है, पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आपको बैठना है और इस मंत्र का 108 बार जाप करना है 11 दिनों तक, और ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। किसी भी दिन नागा नहीं करना, बीच में उपाय को नहीं छोड़ना। अगर आपने शुरू कर लिया है तो पूरा खत्म करना, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। जैसे ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, जिस भी इंसान का आपको वशीकरण करना है, अगर आप उसको कुछ खिला पिला सकते हो तो खाने की कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि मिठाई, गुड़, लौंग, इलायची, उस चीज़ को अपने हाथ में रख लीजिए
और मुट्ठी बंद कर लीजिए और इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद उस चीज के ऊपर फूंक मार दीजिए और वो आपकी सिद्ध हो जाएगी। जिसको भी आप खिला दोगे वो आपके वश में हो जाएगा। अगर आप उसे खिला पिला नहीं सकते, जैसे कि आप कोई गिफ्ट ले लीजिए या फिर आप कोई फूल ले लीजिए, वो जैसे कि आपने कोई गिफ्ट ले लिया है या फूल ले लिया है, इसी मंत्र का 108 बार जाप करके फूल के ऊपर फूंक मार दीजिए और जिसको भी आप दोगे स्मेल लेते ही उसका वशीकरण हो जाएगा। और अगर आप किसी सभा में या आप चाहते हो काफ़ी लोगों का वशीकरण करना चाहते हो, लोग आपकी बात सुने, तो आप किस तरह से करना है ध्यान से सुनिए। जैसे ही आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जब भी आप किसी सभा में जाओ, मीटिंग में जाओ, तो उस मंत्र का 108 बार जाप करके अपने चारों दिशा में फूंक मार दीजिए, तो सभी लोग आपकी बात सुनेंगे और सभी लोग आपकी बात मानेंगे। तो आप समझ गए होंगे उपाय के बारे में किस तरह से आपको करना है। अगर आपको किसी भी तरह की इस उपाय में समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आप अपनी समस्या का समाधान मुझसे डायरेक्ट चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे मोबाइल पे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 8104018830। और अगली वीडियो आपको किस विषय में चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए। और आशा चाहूँगा मैं आपसे कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा किसी इंसान का भला हो सके। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर वीडियो शो हो रही है, यहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। अब मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। अब मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।